आज दोस्तों वीडियो के अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये जो होम थिएटर ये सोनी लेखा है, बट दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, ये मार्केट का लोकल माल है, ये ओरिजिनल सोनी नहीं है। तो इसका अंदर ये ओपन हो गया, इसका ये जो हालत देखिए, जो गम ये आउट हो गया। इसका अंदर एक वॉल्यूम कंट्रोल है और एक बेस कंट्रोलर है, ठीक है, और ब्लूटूथ कनेक्शन एक्स्ट्रा कनेक्शन है, ब्लूटूथ सर्किट यहाँ पर है, और ये जो ये पुराना वाला सर्किट है इसका अंदर ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है, ओनली एफएम है और यूएसबी कनेक्टिंग पॉइंट इसका अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, अलग सा ब्लूटूथ कनेक्शन है। प्रॉब्लम देखिए किस तरह आ रहा है, चलिए मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, इसका जो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर आने के बाद ऑफ हो गया और इसका डिस्प्ले आने के बाद ऑफ हो गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लूज कॉन्टैक्ट, और सप्लाई को जब मैं जिस टाइम ऑफ करूँगा तो ये जो इसके अंदर जो बेस का स्पीकर है यह से आवाज़ निकल रहा है। तो सुनिए आवाज़ को ध्यान दीजिए और सप्लाई में ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों चिक टाइप आवाज़ एक निकल रहा है। तो चलिए फिर भी यह पर मैं सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा और साथ साथ सप्लाई भी आ जाएगा। देखिए देखिए सप्लाई आ गया, तुरंत स्टॉप हो गया, इसका इंडिकेटर भी ऑफ हो गया। और मैं लॉन्ग टाइम ये सप्लाई देके रखूँगा तो कुछ भी इसका अंदर लाइट नहीं आएगा, ठीक है, और आवाज़ फिर भी सुन सकते हो। मैं सप्लाई को ऑफ करूँगा और यहाँ पर आवाज़ भी आप सुन सकते हो। देखिए चिक टाइप आवाज़ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन पार्ट्स प्रॉब्लम, इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। दोबारा चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर डिस्प्ले आ गया और इंडिकेटर आने के बाद भी स्टॉप हो गया। तो ये हर टाइम इस तरह ही हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है, लूज कॉन्टैक्ट होगा तो ये हर टाइम सप्लाई देने के बाद नहीं आएगा ये डिस्प्ले। फिर भी चलिए सप्लाई ऑफ करके इसका साउंड आप सुनिए। देखिए इस तरह साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब इसका वोल्टेज का कुछ गड़बड़ है। तो कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम से हो सकता है, तो मेरा हिसाब से इसका जो पार्ट्स प्रॉब्लम ये ट्रांसफार्मर से हो सकता है। बट ट्रांसफार्मर से क्यों होगा, इसका अंदर तो वोल्टेज भी स्टोर हो जाता है और साउंड भी बंद करने का समय आवाज़ भी मिलता है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है। चलिए इसका ट्रांसफार्मर जो है इसका पीछे है, ठीक है, तो ये पीछे ओपन करने के बाद पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर देखने के बाद भी पता चलेगा कि इसका ट्रांसफार्मर फॉल्ट है कि नहीं है। हो सकता है ट्रांसफार्मर का अंदर जो तीनों लेग देखा जाता है, ठीक है, तीनों लेग जो देखा जाता है वो कुछ भी एक लेग, मतलब जो आउटपुट वायर वो सल्फर के वजह हो सकता है टूट गया, इसी तरह भी हो सकता है। चलिए ये सब स्क्रू ओपन करने के बाद पता चलेगा। चलिए ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका ये पीछे कवर मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद ये जो ट्रांसफार्मर देखिए इसका अंदर एक वायर है, अच्छा करके देखिए इसका अंदर मिडिल एक वायर है और इसका अंदर ये साइड एक वायर है। तो दोस्तों ये एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर, कॉपर का ट्रांसफार्मर इस तरह प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पहले से ही कुछ भी एक टेक्नीशियन इस तरह रिपेयर किया। तो चलिए इसको देखूंगा कि ये जो तीनों अलग अलग लेग है ये लेग से वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो जिस पिन पर वोल्टेज मिसिंग देखा जाएगा तो वो पिन वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा, मतलब वो लाइन को देखना पड़ेगा कि कौन सा लाइन इसका अंदर मिसिंग हो गया, मतलब कनेक्शन मिसिंग है। तो यहाँ पर तो वायर कनेक्शन देखा जाता है, टूटा फूटा नहीं है, तो वोल्टेज चेक करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए इसको इस तरह रखना पड़ेगा, अच्छा तरह से ही रखना पड़ेगा और वोल्टेज देखना पड़ेगा। कैमरा को मैं सेट किया और मीटर को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ। रखने के बाद आपका एक बार वोल्टेज चेक करके देखूँगा। एसी पर मैं, एसी रेंज पर मैं मीटर को सिलेक्ट किया, ठीक है, एसी रेंज पर मीटर को मैं सिलेक्ट किया और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर भी जो ऑन हो गया। तो अभी दोस्तों ये स्टॉप नहीं हो रहा है, अभी चल रहा है। देखिए ये ओपन करने के बाद अभी चल रहा है। तो वोल्टेज मैं देखिए एसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया मीटर को, ठीक है, और ये व्हाइट वाला पॉइंट ये ट्रांसफार्मर का मिडिल पॉइंट है और ये ग्रीन वाला एक साइड का। तो यहाँ पर एसी वोल्ट कितना आ रहा है, एसी वोल्ट 12 वोल्ट, मतलब 11.3, मतलब 12 वोल्ट के आसपास। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ये पर आ गया। और आरएक्स जो ग्रीन वायर है यहाँ पर
यहाँ पर भी तो दोस्तों थोड़ा सा वोल्टेज डिसबैलेंस है, यहाँ पर भी 13 वोल्ट मिल रहा है। तो मतलब ट्रांसफार्मर का एक साइड वाइंडिंग एक और दो टर्न कम बेसी हो सकता है इस तरह वोल्टेज, बट ये दोनों साइड सेम टू सेम होना चाहिए। तो मतलब ये कनेक्शन अभी हो गया, मतलब लूज कॉन्टैक्ट है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और देखिए इसकी इंडिकेटर भी जल रहा है, आप फॉलो कीजिए, इसका जो ब्लू लैम्प ये इधर है ये जल रहा है, ये देखिए अभी जल रहा है। तो मतलब ये ट्रांसफार्मर का ही फॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो ट्रांसफार्मर का तीनों लेग है, मतलब ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अच्छा करके चेक करना पड़ेगा, और फिर भी अच्छा करके इसको सोल्डरिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्डरिंग करने के बाद इसका प्रॉब्लम ज़रूर 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ा टेक्नीशियन इस तरह वीडियो नहीं देखता है, जो न्यू टेक्नीशियन होता है और ये जो न्यू न्यू अभी कम कर रहा है वो कम सीख रहा है ये वीडियो देखता है। तो दोस्तों इसलिए मैं इसको मैं प्रैक्टिकली आपको आपका सामने लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये प्रॉब्लम को रिपेयर किया जाता है। देखिए मैं अलग अलग ये वायर को मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद थोड़ा सा चाकू लेके मैं फ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि सल्फर ये वायर का अंदर भी हो सकता है। तो और ये थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा इस तरह, क्लीन करने के बाद आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके ही देखाऊंगा, आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। और ये जो ट्रांसफार्मर का ये जो वायर है, तो दोस्तों ये कॉपर का नहीं है, ये एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अंदर इस तरह आपको ये वायर को आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोल्डरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी पहले से ये पिन को सोल्डरिंग किया है अलग से कुछ भी एक टेक्नीशियन, ओनली ये दोनों साइड का पॉइंट ये देखिए आसानी से ओपन हो गया। तो मतलब ये दो पॉइंट को अच्छा करके ज्वाइन करना पड़ेगा। बट दोस्तों आपको हर टाइम बताना चाहता हूँ, एल्युमिनियम का जो ट्रांसफार्मर का वायर है उसका साथ ये जो तांबे का जो वायर है ये सोल्डरिंग नहीं इसका अंदर लगता है, ठीक है। आपको इस तरह ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका अंदर सोल्डरिंग नहीं होगा। तब भी मैं एक बार ट्राई करूँगा सोल्डरिंग करने के लिए, ठीक है, कि जो तांबे का वायर है उसका अंदर थोड़ा सोल्डरिंग लग जाएगा, बस ये जो एल्युमिनियम का है ट्रांसफार्मर का वायर इसका अंदर सोल्डरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली लाइव आपके सामने ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट लूज कॉन्टैक्ट के बजाय इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए मैं सब सब करके अच्छा करके मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन करने के बाद आपको देखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सब किया और ये वायर को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो दोस्तों ओनली दोनों साइड को वायर को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले से इसका मिडिल वायर कनेक्शन है, ज्वाइन किया है अलग से टेक्नीशियन अच्छा तरह से। तो चलिए अभी इसी टाइम एक बार सोल्डरिंग करके भी देखूँगा, बट इसका अंदर सोल्डर मतलब रंग नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा दिया, ठीक है, ये तीनों पॉइंट का अंदर थोड़ा सा पेस्ट लगा के भी एक बार अच्छा करके सोल्डरिंग करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। पर दोस्तों एल्युमिनियम वायर का अंदर सोल्डरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो जो वायर है जो ग्रीन वाला वायर है उसका अंदर वो कॉपर का है, तो उसका अंदर थोड़ा सा सोल्डरिंग लगेगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, किस तरह करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकली ये वीडियो का दिखा रहा हूँ। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम को और मैं लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो फ्री में, कुछ भी पैसा देने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल लिंक, एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक और एक इंस्टाग्राम लिंक देख के रखा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और दोस्तों उसका बाद जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आप अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो। पर दोस्तों आप ये वीडियो का नीचे आप लाइक करेगा तो एक बढ़िया सा एक झलक दिखा जाएगा कि लाइक का बटन दबाने का साथ साथ, और दोस्तों आपका यूट्यूब अपडेट होना चाहिए। तो आपका यूट्यूब ये ऐप अपडेट नहीं है तो प्ले स्टोर से भी एक बार अपडेट करके देखिए और वीडियो को लाइक करके देखिए कि कितना बढ़िया सा झलक दिखने को मिलेगा। पर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में फील्ड में न्यू है तो और न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहता हूँ तो ये चैनल से, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो और क्या बताऊँगा, तो ये जो वायर टूट ना जाए इसलिए दोस्तों ये वायर को मैं थोड़ा सा टेप लगा के, ठीक है, इसको मैं इस तरह चिपक देता हूँ क्योंकि यह टूट ना जाए।
का भी लॉन्ग टाइम चलेगा, तो इसलिए मैं ये टेप कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्रैक्टिकली न्यू टेक्नीशियन को मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के रिक्वेस्ट से ही मैं एक ग्रुप बनाया जो टेलीग्राम ग्रुप है। बट दोस्तों जो रिक्वेस्ट था व्हाट्सअप ग्रुप बनाने के लिए, बट दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर बहुत मेंबर ज्वाइन नहीं हो सकता है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप बनाया। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अभी तक 2000 का ऊपर मेंबर ज्वाइन हो गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोग जैसा हो सकता है जो वीडियो देख रहे हो, बहुत आप भी पहले से इसके अंदर ज्वाइन होकर डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो जिस टाइम मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, मैं भी ग्रुप के अंदर डिस्कस करने के लिए कोशिश करता हूँ, बट दोस्तों मैं अलग फील्ड पर बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं ये ग्रुप बनाया, ठीक है दोस्तों, कि आपका अपना प्रॉब्लम खुद डिस्कस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया और एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ कि अभी चल रहा है। तो चलिए मैं पूरा टाइट ट्रीट करने के बाद आपको एक बार देखूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फाइनली दोस्तों इसको टाइट ट्वीट किया, मैं सब कुछ रेडी किया, रेडी करने के बाद अभी इसी टाइम सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, इसका डिस्प्ले आ गया, इंडिकेटर भी ऑन है, और देखिए इस पर जो बेस स्पीकर से साउंड आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों ये चैनल के अंदर मैं हर टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर मैं वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।